नमस्कार, जैन बंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल बिबू की क्लासेस में। तो आज हम बताएंगे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में, उस गुड न्यूज़ के बारे में जिसके द्वारा आप अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना बहुत जल्द पूर्ण कर सकोगे। बेटा आज हम बताने जा रहे हैं SSC के बारे में। SSC की बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती आ चुकी है और आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकोगे बहुत जल्द। हर बच्चा विद्यार्थी हमारा जो क्लास में पहली बार विजिट किया है मुझसे, पहली बार हमको सुन रहा है, तो हर बच्चा विद्यार्थी हमारा क्लास को सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आपको SSC के बारे में। मुझसे कई बच्चे पूछ रहे थे बेटा कि सर मैं 10वीं पास हूँ, इंटर पास हूँ, कि क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ, मेरी एज इतनी है, एज इतनी है बेटा, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। इस क्लास में आपको सारा कुछ डिटेल वाइज बताने वाला हूँ, जो कि आपके भर्ती के लिए, आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके लिए मान्य होगा। तो हम बताएंगे बेटा SSC के बारे में। पहली बात सुन लो बेटा, SSC ने साफ साफ लब्जों में बोल दिया है, कर्मचारी आयोग SSC की स्थापित परीक्षा के कार्यक्रम जारी होने के साथ साथ भर्ती शुरू होने की उम्मीद भी जग गई। सूत्रों के अनुसार, ये बात आपके प्रमुख बटा बहुत ही महत्वपूर्ण, सूत्रों के अनुसार 10 जुलाई से पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों CAPF की कांस्टेबल GD भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बेटा SSC ने साफ साफ बोल दिया है कि 10 जुलाई से पहले, 10 जुलाई से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। साफ साफ लफ्जों में SSC ने बोल दिया, तो आप कंफर्म मान लो कि 10 जुलाई से पहले आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और 10 जुलाई के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे और अपना सपना और अपने माँ बाप का सपना, आप अपने वर्दी का जुनून जो आपने पाला है, उस वर्दी को आप पा सकोगे। हर बच्चा, हर विद्यार्थी, मुझे पता है मेरा हर बच्चा, हर विद्यार्थी बहुत ही लगन से, बहुत ही मन से पढ़ रहा है, इस वर्दी का इंतजार कर रहा था बहुत ही दिनों से, तो आपका सपना पूर्ण होने वाला है। और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे ये बताइए कि मैंने 10वीं पास किया, इंटर पास किया है, तो मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो आप बेटा कन्फर्म आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकोगे, चाहे आपने 10वीं पास ही क्यों ना किया हो। इस बार SSC ने यह भी बोल दिया साफ साफ लफ्जों में कि इस बार 10वीं पास योग्यता रखी जा सकती है, इस बार 10वीं पास योग्यता हमारी रखी जा सकती है, क्योंकि SSC के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, SSC के द्वारा बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि 10वीं पास विद्यार्थी भी हमारे SSC में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष और अधिकतम सीमा 23 वर्ष रखी गई। आयु की न्यूनतम सीमा 18 वर्ष रखी गई और अधिकतम सीमा हमारी 23 वर्ष रखी गई, इस बार SSC के द्वारा। बहुत बड़ा ऐलान बेटा, बहुत बड़ा ही ऐलान है आपके लिए। और SC ST उम्मीदवार को आयु में 5 वर्ष व OBC उम्मीदवार को 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। यह भी बेटा बहुत ही प्रमुख बात है बच्चे के लिए, जो कि हमारे SC ST में आते हैं, उनके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है, 5 वर्ष उम्र की छूट दी गई है। और जो हमारी उम्मीदवार OBC उम्मीदवार हैं, उनके लिए 3 वर्ष की आयु छूट दी गई है। इस बार आपको वर्दी पानी है, इस बार आपको अपना जुनून को पूरा करना है, अपने माँ बाप को सपने को पूरा करना है। मुझे पता है कि विद्यार्थी हर भाई इस बार अपने सपने को पूर्ण करेगा। SSC ने इस बार यह भी ऐलान कर दिया कि बहुत बड़ी मात्रा में भर्ती भी आएगी। पिछली बार हमारी 55,000 की वैकेंसी आई थी, पिछली बार हमारी, जो कि हमारी पिछली बार वैकेंसी निकली थी SSC GD की, वो हमारी 55,000 की थी। इस बार बेटा बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार 55,000 से बहुत ज्यादा भर्ती आएगी, कम से कम वही 70 या 75,000 के आसपास हमारी SSC की भर्ती आएगी, 70 या 75,000 के आसपास हमारी SSC की भर्ती आएगी, जो कि मेरी पिछली बार 55,000 रखी गई थी, इस बार बढ़ाकर बहुत ज्यादा कर दी गई। हर बच्चे के लिए नोटिफिकेशन, ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। मुझे पता है बेटा हर बच्चा, हर विद्यार्थी बहुत ही मन से मेहनत करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, लॉकडाउन की वजह से अपनी क्लासेस कोई टाइमली प्रोवाइड आपको नहीं करा पाया, बट मैं इस बार लॉकडाउन खुल गया, बहुत ज्यादा रात मिल चुकी है, तो मैं आपकी टाइमली क्लासेस भी प्रोवाइड आपको कराऊंगा बेटा। बहुत जल्द आपकी क्लासेस टाइमली स्टार्ट हो जाएंगी। और बच्चा विद्यार्थी हमारा क्लास हो चुकी लेना चाहता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, मुझसे पहले जुड़ा हुआ है, तो अपने परिवार को सब्सक्राइब कर ले, पास में घंटी वाले आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो, अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करो।